काफ़ी सारे कैडेट्स एनसीसी कैंप करने वाले हैं और अपना स्मार्टफोन वहाँ लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि उनको अपने फ़ोन का किस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे कि हम एनसीसी कैंप करने वाले, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होने वाली है, क्योंकि कैंप में काफ़ी सारे कैडेट्स फ़ोन लेके जाते हैं और परमिशन लेके जाते हैं, उनकी बात अलग है। जो विदाउट परमिशन लेके आते हैं उनके लिए भी एक अवेयरनेस वीडियो मैं बना रहा हूँ कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बी केयरफुल अबाउट दिस स्मार्टफोन इफ़ यू आर टेकिंग दिस फोन इन यूर एनसीसी कैंप। चाहे एनसीसी का कोई सा भी कैंप हो, सीएटीसी कैंप हो, आईएमए कैंप हो, आर्मी अटैचमेंट कैंप हो, ट्रेकिंग कैंप हो, वॉट एवर, कोई सा भी कैंप हो। मैंने ईपीएस भी कैंप किया है, एक सीएटीसी कैंप किया है, ठीक है, नेशनल कैंप में भी देखा है और हमारे सीएटीसी कैंप में भी देखा है, दोनों ही कैंप में फ़ोन चोरी हुए थे। तो इसका मतलब एक ही है कि कहीं भी आप चले जाओ, कोई सा भी कैंप हो, वहाँ क्या होता है कि कुछ कैडेट्स ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं पता ऐसी चीज़ें होती है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि गर्ल कैडेट का फ़ोन चोरी हुआ कि बॉय कैडेट का, ईपीएससी कैंप में दोनों का ही चोरी हुआ था। तो इसका मतलब तो साफ है कि फ़ोन चोरी होते हैं, फ़ोन गुम हो जाता वो एक अलग चीज़ है, बट अगर फ़ोन आपके बैग में से कोई निकाल रहा है, आपने चार्जिंग लगा के कहीं छोड़ दिया, वहाँ से फ़ोन अगर कोई निकाल रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी हमारी खुद की, अगर आप खुद फ़ोन लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ना ही आपके एनोसर कुछ कर सकते हैं, ना ही पीआई स्टाफ, ना ही आपका सीनियर कुछ कर सकता है, क्योंकि फ़ोन आपका है, जिम्मेदारी आपकी, आप खुद लेके गए हैं। तो इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है कि आप अपने फ़ोन को सेफ रखें। तो सबसे नंबर वन बात आपको ध्यान रखनी है कि फ़ोन चोरी कब होता है। हमारा जो डे स्टार्ट होता है वो मॉर्निंग में होता है, सुबह 5 बजे करीब हम उठते हैं, सारी चीज़ें होती है, उसके बाद हमें पीटी के लिए नीचे बुलाया जाता है, फिर उसके बाद पीटी वाले यूनिफॉर्म चेंज करने हम रूम में जाते हैं, उसके बाद हम जब वर्दी पहन लेते हैं उसके बाद फिर हमें काफ़ी समय तक नीचे ही रहना होता है, ठीक है, यानी कि हमारा 12-1 बजे तक, उसके बाद हमारा रेस्ट पीरियड चालू होता है 1-2 घंटे का, तब तक हमें नीचे होना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, काफ़ी सारे कैड्स अपना फ़ोन बैग में रख देते हैं, काफ़ी सारे कैड्स फ़ोन को चार्ज लगा देते हैं, थोड़े बहुत आएंगे जब तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट उसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी सारे कैड्स ऐसे होते हैं जो तबीयत खराब हो गई, जिन्हें ड्रिल नहीं करना, कुछ बहाने बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं बोला कि तबीयत खराब नहीं होती, कुछ कैड्स की होती भी है, बट हो सकता है कोई ऐसा कैडेट हो जिस तबीयत का बहाना बना रहा हो, वो रूम में जा रहा हो, हमें पता नहीं चलता कि कौन कहाँ जा रहा है रूम में, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर जगह कैमराज लगे हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे नंबर वन बात आपको ध्यान रखना कि कभी भी चार्जिंग पे अपने फ़ोन को छोड़ के नहीं जाता, जब भी फ़ोन आपका चार्जिंग लगा हो तब भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है। जब आपको फ़ोन चार्ज हो रहा हो तो ऐसा कुछ करिए कि 2 घंटे का रेस्ट है, तो 2 घंटे तक आपको फ़ोन चार्ज हो रहा है, आप वहीं बैठे हो, अपना दूसरा वर्क कर रहे हो, तो चीज़ें काम आएगी। अदरवाइज़ अगर आप फ़ोन खाली छोड़ रहे चार्जिंग पे तो वो 100% गायब हो सकता है। सेकेंड चीज़, जब फ़ोन आपका चोरी हो सकता है वो है जब आप ड्यूटी करने जा रहे हो, जब आपकी नाइट में ड्यूटी है, इसके अलावा आपके दिन में कोई ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, आपका कोई मेन इवेंट चल रहा है, तब आप फ़ोन को खाली छोड़ के जा रहे हैं रूम को, तब अगर आप रूम में फ़ोन चार्जिंग पे छोड़ के जा रहे हैं तब भी फ़ोन चोरी हो सकता है। इसके अलावा कैड्स क्या करते हैं, अपने फ़ोन को बैग में रख के जाते हैं, तो बैग में भी आप कोशिश करिए, अगर आपका बैग में चेन लॉक वाला सिस्टम है, आपका ट्रॉली बैग है तो उसमें लॉक हो जाता है, अगर छोटा सा बैग है तो उसमें आप क्या छोटा सा लॉक परचेस कर सकते हैं, उसे लगा सकते हैं, बट फ़ोन चोरी नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी पूरी आपकी है, ठीक है। तो ड्यूटी के टाइम फ़ोन चोरी होता है, इसके अलावा जब आप लंगर में खाना खाने जाते हैं, या डिनर का टाइम है, या लंच ब्रेकफास्ट का, किसी का भी टाइम है, अभी फ़ोन चोरी हो सकता है, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। फोर्थ नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप फ़ोन ले जा रहे हैं तो उसकी परमिशन ज़रूर लेना है आपको, ठीक है, बिना परमिशन के आपको फ़ोन लेके नहीं जाना है कैंप में, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। इससे क्या हो सकता है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, आपको मतलब ऐसा है कि आपको कैंप से भी बाहर भेज दिया जा सकता है अगर बिना परमिशन के फ़ोन ले गए तो। वैसे तो एक बात मैं खुद कहता हूँ कि मैंने अभी तक नोटिस किया कि जितने भी मैंने कैंप लेके, सभी लगभग काफ़ी मेजोरिटी कैडेट्स फ़ोन लेके जाते हैं, 2 या 3 कैडेट्स के बीच में एक फ़ोन तो जनरली होता ही होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो है कि फैमिली से बात करनी होती है, 10 दिन भी घर से दूर जो कैड्स कभी लाइफ में रहे नहीं, जिनका पहला कैंप होता है, घर पे पेरेंट्स से बात करनी होती है, फैमिली से बात करनी होती है, तो बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परमिशन लीजिए, अगर वहाँ से चीज़ें डन होती है तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, ठीक है। वही हिसाब है, हमारा एनसीसी का कैंप हो वो हमारा मिनिमम 10 डेज का तो रहेगा ही रहेगा, तो आखिर उन 10 डेज में हम फ़ोन को चार्ज कैसे करेंगे, तो 10 डेज के लिए तो नहीं, बट कुछ समय के लिए अगर आपका फ़ोन अच्छा चल सकता है तो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया, जो सभी के लिए मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ वो है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक पावर बैंक है, लगभग 10,000 mAh का पावर बैंक है और काफ़ी अच्छा पावर बैंक है। इस पावर बैंक से आप इजीली अपने स्मार्टफोन को 2 बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सामने जिस फोन से मेरी वीडियो शूट हो रही है, लगभग 4,000 mAh का स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन को लगभग 2 बार और 3री बार भी आधा चार्ज कर देता है। तो इसी स्मार्टफोन से मैंने सारी ब्लॉग्स बनाए, सारी वीडियोज भी मैं इसी से रिकॉर्ड करता हूँ, और ये जिस दूसरे फोन से जो मैं आपको पावर बैंक दिखा रहा हूँ, ये जो दूसरा फोन है इससे मैं वीडियोज वगैरह एडिट करता हूँ, और इसी पावर बैंक से मतलब लगभग मैंने काफ़ी सारे डेज निकाले हैं। मैं क्या करता था, मैं कभी भी फ़ोन को चार्ज नहीं लगाता था, मैं हमेशा पावर बैंक को चार्ज लगाता था, क्योंकि माना कि पावर बैंक भी थोड़ा कॉस्टली है, बट दिक्कत ये है कि फ़ोन में जो हमारे फोटोज़ और वीडियोज़ है वो मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, तो फ़ोन चोरी हो जाता तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता, इसलिए मैंने दीदी का पावर बैंक ले लिया कि दीदी मुझे 10 डेज के लिए पावर बैंक चाहिए, इसको पूरा चार्ज किया और लगभग इस पावर बैंक ने मेरे पूरे फ़ोन को सेफ रखा, क्योंकि मैं सीनियर था तो मैं फ़ोन को लगभग अपने बैग में रखता था, तो हमेशा लॉक लगा के रखता था, इसके अलावा पूरा सेफ्टी का ध्यान रखता था, बीच में भी
जब भी रूम में आने का टाइम मिलता था मैं फोन को बराबर चेक करता था, और नाइट के टाइम ये पूरा पावर बैंक चार्ज होता था। रात के 10 बजे भी अगर इसको चार्ज लगा तो सुबह 3-4 बजे तक ऑलमोस्ट ये पूरा चार्ज हो जाता था। थोड़ा स्लो चार्ज होता है क्योंकि काफी बड़ी बैटरी होती है इसमें, तो काफी आराम से चार्ज हो जाता था और पूरे दिन भर कोई इशू नहीं आता था। मतलब की बात ये कि अगर आप एनसीसी कैंप करने जा रहे हैं, अगर आपको आपको फोन चोरी होने से बचाना है तो आप एक पावर बैंक रख सकते हैं अपने पास, और पावर बैंक को नाइट के टाइम में आप चार्ज पे रख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई वीडियो आपने देखी होगी जो मैं आपको इतने सेफ्टी के तरीके से बताऊंगा कि अपने फोन को कैसे बचा सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कैंप में सामान चोरी होता है, चाहे हमारा स्मार्टफोन हो या अदर कोई सी चीज हो। काफी सारे कैट्स की रैंक चोरी हो जाती है, बैरेट गायब हो जाती है, हैकल गायब हो जाती है, बेल्ट का लोगो गायब हो जाता है, जो हमारे शोल्डर टाइटल्स होते हैं वो चोरी हो जाते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस सामान को अगर आपको सेफ रखना है तो एक लॉक रखिए। आई होप इस वीडियो से आपको एक सॉल्यूशन मिल गया होगा कि किस तरीके से अपने स्मार्टफोन का ध्यान रख सकते हैं, और अदर सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी कि फोन मेनली कब चोरी होता है। आई डोंट थिंक सो कि सभी कैडेट्स इस वीडियो को देख के पावर बैंक परचेस करेंगे, बट फिर भी एक रिकमेंड है कि अगर आप कैंप कर रहे हैं तो फोन का तो एटलीस्ट ध्यान रखें, लॉक खरीद सकते हैं छोटा सा, जो आप भी जब भी आप कहीं जाए तो उसे लॉक करके जाए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, चाहे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे वो प्लेलिस्ट है जिसमें आपको कैंप से रिलेटेड और डिटेल्स मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।